नवरात्रि। गणेश उत्सव के बाद बच्चे सबसे ज्यादा नवरात्रि का इंतजार करने में लग जाते हैं। आने वाले त्योहार के साथ बच्चों को घर की साफ सफाई करनी भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह गट्टू चिंकी भी अपने मम्मी का काम में हाथ बटाने लगे। गट्टू अपने हाथों से फ्लावर पॉट पोछते हुए गरबे का गाना गुनगुनाने लगा। ढोलीड़ा डम 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 डम, ढोलीड़ा डम 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 डम, हे ढोलीड़ा डम 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 डम। गट्टू ध्यान से वरना फ्लावर पॉट टूट जाएगा। मम्मी, इस साल मुझे गरबा करने के लिए गुजराती घाघरा चाहिए, अब दिलवा कर देंगे ना? हाँ हाँ चिंकी, पापा से कहकर हम शॉपिंग करने जाएंगे, इस साल बहुत मजा करेंगे। देखते ही देखते घर की साफ सफाई हो गई और अश्विन प्रतिपदा का दिन भी आ गया। गट्टू चिंकी, चलो आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज घट स्थापना होगी और आज माता जी की 5 आरतियाँ भी होंगी, तुम्हें पसंद है ना? गट्टू और चिंकी तैयार होकर मम्मी के पास आए। मम्मी ने गट्टू और चिंकी को माता जी की मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाने के लिए कहा। गट्टू और चिंकी ने संभल कर मूर्ति को हार चढ़ा दिया। तब पापा बोले, अरे वाह, लगता है सारी तैयारियां हो गई है, चलो हम सब मिलकर स्थापना करते हैं। मम्मी ने एक डोडी में मिट्टी डालकर उसमें गेहूं पिरोए और उस पर कलश रख दिया। इस तरह से घट स्थापना हुई। सबने मिलकर माता जी की आरती भी की। गट्टू चिंकी, आज अश्विन शुद्ध प्रतिपदा है, तुम दोनों को गरबा खेलने जाना है ना? सोसाइटी में भी देवी की स्थापना हो चुकी है, आरती के बाद तुरंत गरबा शुरू होगा और आज का कलर तो हम सबको पता है, ग्रीन कलर। गट्टू चिंकी और पापा मम्मी ने हरे रंग के कपड़े पहने, सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। चिंकी ने तो हरे रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिसमें चिंकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गट्टू ने हरे रंग का कुर्ता पहना था और नीचे जींस, ताकि वो ठीक तरह से गरबा कर सके। इसके बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। जय माता दी गट्टू चिंकी की मम्मी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सेम टू सेम कलर पहना है आप सभी ने। जय माता दी, बंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा? बंटी, हरी, पिंकी, भूषण सभी बच्चे देवी के पंडाल में खड़े होकर एक दूसरे को गरबे के स्टेप सिखा रहे थे। वहीं गट्टू और चिंकी भी आ गए। अरे वाह बंटी, तू तो काफी अच्छा गरबा करता है, लेकिन चिंकी तू ही हमें गरबा सिखाएगी, तुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको गरबा करके दिखाया। अपने आप को चिंकी ने 2 बार चक्कर लगाए और ताली बजाते हुए थिरकने लगी। फिर चिंकी 2 बार उछली और गरबे का बड़ा चक्कर लगाया। इस बार चिंकी ने काफी अच्छा गरबा किया। सभी बच्चों ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। वाओ चिंकी, इतने हैवी ड्रेस पर भी तुमने बहुत अच्छा गरबा किया, तुम जरूर घर में गरबा करने की प्रैक्टिस करती हो ना? हाँ तो, लेकिन मुझसे ज्यादा गट्टू दिन भर गरबा करते रहता है। गट्टू को गरबा बहुत अच्छा लगता है, हमें भी सिखाया करो तुम दोनों। अरे मैं तो चाहता हूँ कि नवरात्रि सिर्फ 2 दिन क्यों, बल्कि हर दिन होना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर हर रोज इसी तरह से गरबा कर सके। सभी बच्चे चलो आरती कर लेते हैं, उसके बाद गरबा शुरू होगा। सोसाइटी की देवी की भी आरती हुई, सब में प्रसाद बांटा गया और म्यूजिक सिस्टम पर फेमस इंडिया के गाने बजने लगे। सभी बच्चों ने गोल रिंगन बनाया और गरबा करने लगे। इस तरह से बच्चों ने नवरात्रि का पहला दिन बहुत एंजॉय किया। अगले दिन भी सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर आए, क्योंकि आज का रंग लाल जो था। मम्मी आप भी लाल साड़ी पहनिए और आज आप सभी बड़े भी गरबा करेंगे। अरे चिंकी, तुम बच्चे गरबा करते हो तो हमें अच्छा लगता है, तुम्हें देखते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है और हम समझते हैं कि हम भी गरबा कर रहे हैं। बोलते बोलते मम्मी हंस पड़ी। गट्टू वहाँ आया। गट्टू ने लाल कुर्ते पर धोती पहनी थी, उसने आज अच्छा खासा लुक बनाया था। मम्मी बताओ ना मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तुम धोती में गरबा कर पाओगे ना? मम्मी और चिंकी दोनों भी हंस पड़े। सोसाइटी कंपाउंड में सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर जमा हो गए। पहला राउंड बच्चों का हुआ, बच्चे पूरे जोश के साथ गरबा करने लगे। अब आप सभी बड़े भी हमारे साथ गरबा करेंगे, चलिए हम बच्चे अंदर राउंड बनाते हैं, बाकी सभी बड़े लोग बाहर से खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ मम्मी चलो ना करेंगे गरबा, मुझे भी आपके साथ गरबा करना है। चंचलानी अंकल, सुखविंदर अंकल, बंटी के पापा,
सभी लोग गरबा करने के लिए तैयार थे और वो राउंड बनाकर खड़े हो गए। गाना शुरू हुआ। सभी बड़े अपनी अपनी तरह से गरबा करने लगे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी गरबे के गाने पर थिरकने लगे। मम्मी अब चिंकी को फॉलो करने लगी क्योंकि सोसाइटी में सबसे बेहतर गरबा चिंकी ही करती थी। इसी बीच गट्टू अपने धोती से 2-3 बार लड़खड़ाया। तब मम्मी बोली, अरे गट्टू जरा संभल कर बेटा। हाँ मम्मी। गट्टू जैसे तैसे अपनी धोती संभाल रहा था। आज का आखिरी राउंड भी खत्म हुआ। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन खत्म हो गए और आज नवरात्रि का आखिरी दिन था और कल दशहरा। बच्चों ने तो ठान लिया था कि वो आज पूरे जोश के साथ गरबा करेंगे। सभी बच्चे घर की आरती होने के बाद सोसाइटी में पहुंचे। देवी की आरती हुई। जैसे ही देवी की आरती खत्म हुई वैसे लाइट चली गई। सभी बच्चे मायूस हो गए। अब गरबा कैसे होगा? अरे नहीं, मेरा ड्रेसिंग आज अच्छा है और लाइट चली गई। पापा कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ देखता हूँ बेटा, चलो चंचलानी। कुछ देर के बाद पापा और चंचलानी अंकल मायूस होकर आए। पापा बोले, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लोड शेडिंग है। अरे नहीं, गरबा कैसे होगा? तभी चिंकी ने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम तो हमेशा अपने मुंह से गुनगुना कर गरबा करते हो, हम सभी ऐसा ही करेंगे। गट्टू शुरू हो जाओ। गट्टू ने मुंह से गाना गुनगुनाते हुए गरबा करना शुरू किया। डम डम ढोलीड़ा हे हे, डम डम ढोलीड़ा डम हे हे, डम ढोलीड़ा हे हे, डम डम ढोलीड़ा। इस तरह से सभी ने गट्टू की तरह ताल धर गरबा किया। काफी देर तक बिना लाइट के सोसाइटी वालों ने गरबा किया। सभी थक गए और रुक गए। बोलो माता की जय, अम्बे माँ की जय, जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अरे देखो ना, अब तक लाइट नहीं आई, लेकिन आज नवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन। जैसा कि तय हुआ था, इस साल भी हम बेस्ट गरबा डांसर को प्राइज देंगे। ये! जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरबा करना ये माता रानी की सेवा माना जाता है, लेकिन माता जी के दरबार में सबसे अच्छे शरारकर्त को परितोषिक तो मिलना चाहिए। तो इस साल के बेस्ट गरबा डांसर्स है गट्टू और चिंकी। थैंक यू सो मच पापा और चंचलानी अंकल। सभी घर के लिए निकलने ही वाले थे कि लाइट आ गई। चलो फिर से गरबा करते हैं।